तकनीकी ज्ञान में आप सभी का दोस्तों स्वागत है और शुरू करते हैं दोस्तों आज का टेक न्यूज़। बट दोस्तों टेक न्यूज़ स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग कर ही देते हो, इतना प्यार देते हो। बट फिर भी दोस्तों बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले आपकी ओर मिलते रहे। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट टेक न्यूज़। सबसे पहले दोस्तों बात करना चाहता हूँ दोस्तों नोकिया से स्टार्ट करना चाहता हूँ। जी हाँ दोस्तों, कि नोकिया इन दिनों दोस्तों कुछ ना कुछ ट्राई कर रहा है वापस मार्केट में आने के लिए और उसने ग्लोबली दोस्तों एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, वो है दोस्तों नोकिया का XR20 रग्ड फोन। जी हाँ दोस्तों, नॉर्मल फोन की जगह उन्होंने रग्ड फोन पे फोकस किया और दोस्तों डेफिनेटली रग्ड फोन काफ़ी अच्छा है, ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस लेवल्स वहाँ पे दे दिए हैं। और कुछ डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले 6.60 इंच का बिग FHD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जिसका कोरिंग गोरिल्ला ग्लास यहाँ पे सपोर्ट आपको मिलता है दोस्तों, वो है कोरिंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस। जी हाँ दोस्तों, उसी के साथ दोस्तों स्नैपड्रैगन का 5G SoC चिपसेट देखने को मिल सकता है और उसी के साथ ड्यूल कैमरा सेटअप एंड फ्रंट सिंगल कैमरा सेटअप है, जिसका है 48 मेन कैमरा और सेकेंडरी कैमरा 13 मेगापिक्सल का और उसी के साथ फ्रंट कैमरा आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का। और दोस्तों 4630 मिली एम्पेयर का बैटरी है और यहाँ पे आपको 18 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग और 15 वोल्ट का कुछ वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी देखने को मिल सकता है। सो और मेन चीज़ है दोस्तों प्राइस, यहाँ पे दोस्तों अराउंड इंडियन मार्केट में कुछ 40,000 के आसपास इसका प्राइस रहने वाला है और मेरे ख्याल से इसी वजह से दोस्तों नोकिया, आप लोग समझ सकते हो क्यों नहीं होता है इस नोकिया से यार 40,000 और वो भी स्नैपड्रैगन चिपसेट 485G चिपसेट। आप लोग कमेंट में ज़रूर से बताना दोस्तों कि क्या ये प्रोडक्ट रियली लेना चाहिए ये रेंज में कि नहीं लेना चाहिए, प्लीज़ कमेंट में। दूसरी दोस्तों नीट न्यूज है, वो है दोस्तों रियलमी की ओर से। रियलमी फ्लैश करके एक मॉडल भी लॉन्च करने जा रहा है और उसी के साथ प्रोडक्ट का दूसरा एक पार्ट लॉन्च होने जा रहा है, वो है दोस्तों मैकडार्ट। जी हाँ दोस्तों, जैसे एप्पल का मैकसेफ आता है वैसे ही दोस्तों यहाँ पे रियलमी भी मैकडार्ट लॉन्च करने जा रहा है। जो दोस्तों रियलमी फ्लैश जो प्रोडक्ट है वो स्मार्टफोन यानी कि एंड्रॉयड स्मार्टफोन में सबसे पहली बार मैग्नेटिक वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट देखने को वहाँ पे मिल सकता है और उसी के साथ दोस्तों ये जो मैग्नेटिक चार्जर है उसका नाम भी दे रखा है मैकडार्ट। और यहाँ पे आपको ट्विटर पे ट्वीट करके भी मैंने एक को देखा था, वहाँ पे आप लिखा हुआ था कि रियलमी फ्लैश कमिंग सून। जी हाँ दोस्तों, सो देखते हैं रियलमी क्या ये मॉडल कब तक मार्केट में लॉन्च होता है। और दोस्तों कमेंट में ज़रूर से बताना कि मैग्नेटिक चार्जर की क्या एक्चुअल में ज़रूर है, अभी हमको ज़रूर से बताना। तीसरे दोस्तों टेक्निक्स की बात करें तो वो भी रियलमी से जुड़ी है और रियलमी का दोस्तों आप लोगों को भी पता है कि जैसे रियलमी 5i थिंक लॉन्च हुआ था उसी के साथ 5i भी आया था 6 महीने के बाद। आई डोंट नो आया था कि नहीं आया था, 5i था क्या नहीं था आप मुझे कमेंट में बताना दोस्तों, 5i करके मॉडल लॉन्च हुआ था या नहीं हुआ था। बट 6 से मुझे याद है, 6i आया, 7 आया, 7s आया, 7i भी आया। ऐसे ही दोस्तों रियलमी 8 सीरीज में अभी रियलमी 8i एंड 8s ये दो एडर्ट एड होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों कोलंबिया में सर्टिफिकेट भी लॉन्च हो गया, यानी कि कोलंबिया में दोस्तों ये प्रोडक्ट लॉन्च हो चुकी है और काफ़ी चिप रेट में 5G स्मार्टफोन रियलमी अभी डेवलप कर रहा है, जो काफ़ी अच्छी बात है। और अपने इंडियन मार्केट में थोड़े ही टाइम में रियलमी 8i और 8s अपने को देखने को मिल जाएंगे, जो दोस्तों काफ़ी अच्छी बात है। सो फोर्थ न्यूज़ भी रियलमी की ओर से, क्योंकि दोस्तों इन दिनों रियलमी के ही न्यूज़ आ रहे हैं, रियलमी डे बाय डे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च करने जा रहे हैं। बट यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं रियलमी GT यानी कि रियलमी GT सीरीज़ की, जहाँ पे GT नियो, उसी के बाद है GT मास्टर एडिशन एंड GT एक्सप्लोर मास्टर एडिशन। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी लंबे लंबे नाम है बट प्रोडक्ट भी उतनी अच्छी होगी। बट हालांकि दोस्तों GT नियो करके जो मॉडल था ऑलरेडी अपने इंडिया में लॉन्च हो गया था Realme X7 Max 5G करके। सो देखना ये है दोस्तों कि ये आगे जाके GT वाली प्रोडक्ट जो है Realme की वो वही नाम से अपने यहाँ पे भी आती है या फिर कुछ रिब्रांडेड करके भी अपने यहाँ पे मे बी दे सकती है। सो जस्ट वेट इन वॉच दोस्तों। उसके बाद दोस्तों टेक्नोस की बात करें तो वो है टेक्नोपोवा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, टेक्नोपोवा एक सक्सेसफुली मॉडल लॉन्च हुआ था, उसी के साथ दोस्तों अब टेक्नोपोवा 2 भी लॉन्च होने जा रहा है, जो दोस्तों ऑनलाइन मार्केट में आपको 2 अगस्त से ऑनलाइन देखने को मिलेगा। जहाँ की कुछ स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों 6.9 इंच का पंच होल डिस्प्ले देखने को मिल सकता है और उसी के साथ दोस्तों LCD डिस्प्ले है बट FHD प्लस और जो उसका दोस्तों टच सैम्पलिंग रेट होने वाला है वो है 180 हर्ट्ज का। सो ये दोस्तों अभी अच्छी बात है और उसकी पिक ब्राइटनेस 480 नीट्स की भी है। सो टेक्नोपोवा एक मिड रेंज में काफ़ी अच्छा चलने वाला फ़ोन हो सकता है। और उसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कैमरा सेटअप की, तो यहाँ पे क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलते हैं, जैसे 48 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा है, सेकेंडरी कैमरे में दोस्तों यहाँ पे आपको 2 मेगापिक्सल मैक्रो लेंस, 2 मेगापिक्सल डिप्थ लेंस और 2 मेगापिक्सल AI कैमरा
ये मुझे नहीं समझ में आते 2-2 मेगापिक्सल के कैमरे कब पीछे छोड़ेंगे यार, या तो एक ही बार में दे दो या एक ही कैमरे में सब फीचर्स दे दो। ये 2-2 मेगापिक्सल, खैर चलो अभी हाल फिलहाल आ रहा है तो क्या कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट में बताना कि एक्चुअल क्या 2 मेगापिक्सल रिक्वायर है, जरूर से बताना। बट हाँ, उसी के साथ दोस्तों इसकी बात कर दूँ, यहाँ पे MediaTek का G85 प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे सबसे मेन चीज दोस्तों वो है 7000 mAh का बैटरी बैकअप। जी हाँ दोस्तों, 7000 mAh का यहाँ पे बैटरी दिया हुआ है, बट पता है उसको फास्ट चार्जिंग के साथ कितना वोल्टेज दिया? 18 वोल्ट। 7000 mAh को 18 वोल्ट के साथ चार्ज करूंगा तो दोस्तों आप भी सोचो कि कितना टाइम लगेगा। ओ भाई मारो, मुझे मारो, मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। बट खैर कंपनी ने दिया है तो चलो यूज करना है, बट मिड रेंज में अच्छा है और उसका कुछ प्राइस भी 11-12 हज़ार आने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट, अगर आप लोग दोस्तों ऐसा बैटरी बैकअप वाला फोन ढूंढ रहे हो भी मिड रेंज में, तो आई थिंक स्टडी और उन सब के लिए तो काफी बेस्ट है टेक्नो कोवा 2। सो प्लीज आप लोग एक बार आर्यन आन करके उसको परचेस कर सकते हो। दूसरी दोस्तों यहाँ पे खबर आती है इंटेल की ओर से, कि यहाँ पे दोस्तों इंटेल का नाम आते ही अपने को लैपटॉप डेस्कटॉप वगैरह याद आते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो मतलब छाया हुआ है, वहाँ पे फेमस है। बट क्या आपको पता है कि अब इंटेल क्वाडकॉम की चिप्स डेवलप करेगा? जी हाँ दोस्तों, यानी कि क्वाडकॉम स्नैपड्रैगन जो भी कंपनी है उन्होंने इंटेल से कोलैबोरेट करने की ट्राई की है, और दोस्तों आने वाले सालों में इंटेल स्नैपड्रैगन की चिपसेट बनाने जा रही है। जी दोस्तों, तो दोस्तों अगली टेक न्यूज है वो दोस्तों नथिंग, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ नहीं है, नथिंग दोस्तों आई मीन से कि कंपनी। जी दोस्तों, एक्चुअली ये लंडन बेस्ड कंपनी है, और आप लोगों ने दोस्तों नथिंग का कहीं ना कहीं एडवर्टाइजिंग में या तो किसी भी यूट्यूबर के यहाँ पे आपने ये वीडियो भी देखा होगा नथिंग ब्रांड का, कि यहाँ पे दोस्तों ये कंपनी बेसिकली TWS अभी क्रिएट कर रही है, और उनका एक विजन है दोस्तों कि पीपल और टेक्नोलॉजी के बीच में जो बैड होता है ना उसको तोड़ देना है, उसको पीपल को टेक्नोलॉजी तक पहुँचाना है, जो टेक्नोलॉजी को पीपल तक पहुँचाना है, वो काफ़ी अच्छा विजन है इनका। और उसी के साथ दोस्तों उन्होंने नथिंग ईयर वन करके एक मॉडल लॉन्च किया है, जिसका ईच बर्ड्स का दोस्तों वेट ओनली 4.7 ग्राम है। और अगर आप इसका केस की बात करो तो इसका केस दोस्तों यहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंट केस देखने को मिलता है, जो दिखने में काफी अमेजिंग और अट्रैक्टिव है, क्योंकि ऐसे TWS तो कोई देखे नहीं है जिसमें ट्रांसपेरेंट आर पार देख सके, सो दैट्स अमेजिंग। उसी के साथ दोस्तों यहाँ पे आप बैटरी बैकअप भी बात करो, तो अगर आप लोग दोस्तों यहाँ पे नॉइस कैंसलेशन को ऑफ करके यूज करते हो तो यहाँ पे आपको 4 घंटे का बैटरी बैकअप मिलता है, और नॉइस कैंसलेशन को ऑन करने के बाद आप इसको 5.7 hours तक चला सकते हो। उसी के साथ दोस्तों IPX4 का यहाँ पे रेटिंग सर्टिफिकेट दिया हुआ है, जिसका मतलब है कि स्प्लैश एंड स्वेट प्रूफ होने वाले हैं दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे ज़्यादा बात करते हैं दोस्तों, यहाँ के बॉडी डिज़ाइन तो मैंने आपको बता दिया काफ़ी अमेजिंग और काफ़ी अट्रैक्टिव है, और दोस्तों ये इंडियन मार्केट में 17 अगस्त को लॉन्च होने वाला है, मात्र उसका प्राइस होने वाला है दोस्तों 5999। जी हाँ दोस्तों, ओनली 5999 में आने वाला है, सो 5-6 हज़ार की TWS ऐसे ट्रांसपेरेंट में तो दोस्तों बेस्ट चीज़ है। दोस्तों Xiaomi ने एक बड़ा सा अनाउंसमेंट किया है दोस्तों, Xiaomi तो हर बार करता ही एक्चुअली, बट Xiaomi के TWS है, आप लोगों ने नाम सुना होगा फ्लिप बर्ड्स प्रो। जी दोस्तों, Xiaomi फ्लिप बर्ड्स प्रो में दोस्तों अनाउंसमेंट ही किया है कि यहाँ पे दोस्तों फर्मवेयर अपडेट करने के बाद एक नया आइडेंटिटी आपको घोषणा कर दी है, कि ये अपडेट करने के बाद दोस्तों इंडस्ट्री में TWS में सबसे पहले दोस्तों क्वाडकॉम के हाई एंड टेक्नोलॉजी वाले ऑडियो स्नैपड्रैगन का साउंड यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो दोस्तों ये चीज़ भी काफ़ी अमेजिंग है। उसके साथ दोस्तों बात करते हैं अपने आज की लास्ट टेक न्यूज़ की, और वो है दोस्तों Xiaomi Book 15। जी हाँ दोस्तों, जैसे Realme ने Book लॉन्च किया लैपटॉप, वैसे ही Xiaomi Book 15 करके एक मॉडल लॉन्च कर रहा है, जिसका दोस्तों कुछ स्पेसिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे 15.6 इंच का FHD डिस्प्ले देखने को मिलेगा, इंटेल i3 11 जनरेशन के साथ चिपसेट के साथ आने वाला है, और दोस्तों 8GB का रैम होने वाला है, और दोस्तों ये भी Realme की तरह काफ़ी स्लिम एंड स्लिक एंड लाइट वेट बॉडी डिजाइन के साथ आने वाला है। सो दोस्तों अगर आपको वीडियो मेरा ये अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले, और दोस्तों अगले वीडियो तक स्टे ट्यून्ड।